नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मैं कोलकाता गया था, जैसा मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, और ये सब सामान है कुछ, और ये टैंक का मेरा जो है इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देता हूँ। ये एशिया 003 हमने लिया है, ये दो पंप हमने ले लिया है, और ये वाला पंप थोड़ा निकल, और ये हमने ड्रेनेज के लिए जो है कि ये पाइप बना लिया। लोग बोल रहे थे कि ग्रीस का डब्बा लगाना है, ऐसे लगाना है, वैसे लगाना है, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। ये इसमें फर्स्ट क्लास का छेदा कर लगा देंगे, कर लेंगे गर्म करके छड़ को, और जो है कि इसको ये डायरेक्ट ऐसे लग जाएगा, और ये इधर ढक्कन लगा हुआ है। और ये एयर स्टोन देखिए, ये अमेजान पर 120 रुपये का, 130 रुपये का मिल रहा है। ये वाला बड़ा वाला साइज देखिए इसका, ये बड़ा वाला साइज है, ये वाला स्टोन हम लगाएंगे। ये जाम कम होता है और ज़्यादा देर तक चलता है, और इसका जो है कि बहुत माइक्रो बबल देता है, बहुत छोटा छोटा बबल आता है। और ये कंट्रोलर है, इससे हवा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कंट्रोलर है। और ये पंप देखिए, ये 35 वाट जो है कि इसका पावर कंजप्शन है, और 27 MPA प्रेशर है इसका, 65 LPM का है ये, 65 लीटर पर मिनट का। और ये हमारा तारपुलिन है 650 GSM का, ये हमने नापने के लिए खोल दिया था। तो ये तारपुलिन है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का तारपुलिन है, आप ये देख सकते हैं ध्यान से। और इसका जो ज्वाइंट है, इसका गारंटी है, 5 साल तक खुल गया तो तारपुलिन वापस करके नया देंगे। बहुत ही अच्छा तारपुलिन है और बहुत ही कम प्राइस में है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं कोलकाता गया था, वहाँ से घूम के मार्केट देखा हूँ। और ये सब ये सामान हो गया, और ये थोड़ा मैं आपको टैंक दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है इस तरह से हमने ईट चारों तरफ से लगा दिया है, और ये इसमें प्रोटेक्टर शीट लग गया है। और ये आप देख रहे हैं ड्रेनेज का जो है सेक्शन है, हमारा एल्बो दिख रहा है। अभी इसमें हम बालू डालेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से आपको 6 इंच डाउन रखना है, मतलब इस साइड से आपको यहाँ से 6 इंच वहाँ सेंटर तक आपको डाउन रखना है, ताकि जो भी कचरा हो वो जो है कि नीचे बैठ जाए, और वहाँ से जब आप पानी ड्रेन करेंगे तो वहाँ से पानी आपका पूरा गंदगी निकल जाएगा। और इस तरह से यह टैंक हमारा बना हुआ है। अभी इसमें बालू डालने के बाद, ये काम पूरा रेडी हो गया है, इसमें बालू डालने के बाद अब इसमें तारपुलिन बैठाएंगे बालू ठीक से, और ये ड्रेनेज के लिए हमने जो है कि वाल लगा के रखा हुआ है। यहाँ से ये हमारा ड्रेनेज हो जाएगा इस तरह से, ये पानी इसे बंद हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। और इधर से हम, इधर हमारा पानी निकालने का जगह नहीं है तो थोड़ा दूर जाएगा, तो इधर से पाइप लगा के हम जो है दूसरी जगह पानी निकाल लेंगे। और इसमें ये चूड़ी वाला, जो आपको चूड़ी वाला मिलता है तो इसके लिए एक आता है, ये इसमें चूड़ी वाले में ये लगा के सीधा पाइप में लग जाएगा, मतलब कनेक्शन के लिए आता है ये। और इधर चूड़ी वाला है, सादा वाला अगर नहीं मिलता है तो ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत मोटा भी है, बहुत अच्छा है। 250 रुपये के आसपास ये मिलता है मार्केट में। 2 इंच का हमने जो है पाइप लगाया, 5000 लीटर के लिए 2 इंच का पाइप बहुत ही अच्छा है। आप अगर 10000 लीटर का टैंक लगाते हैं तो ही आपको 3 इंच का पाइप लगाना चाहिए, इसमें तो 2 इंच बहुत काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों यही आपको दिखाना था, और ये टैंक हमारा रेडी हो रहा है, बस जल्दी आपको ट्रेनिंग का भी जो बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं ट्रेनिंग का वीडियो दीजिए, तो ट्रेनिंग का वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। ये थोड़ा मेरा टैंक है इसलिए रेडी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, और मेरा खुद का दुकान भी है, तो दुकान पे भी जाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये रेडी होने वाला है, जैसे ही रेडी हो जाता है, और ये इंस्टॉलेशन तो जो है कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये आपको यहाँ से सेंटर से ऊपर इस साइड में आपको 6 इंच जो है कि ढार बना के रखना है, ताकि कचरा वहाँ जमा हो तो निकल जाए, आसानी से आपका बन जाता है। आने वाली वीडियो में जो इसका वाटर प्रिपरेशन होगा
और इसमें जो है कि अभी हम सेट लगाएंगे ऊपर से, अभी नीम का पेड़ है तो इसमें कचरा उचरा गिरेगा, तो सेट लगाएंगे। और जो वाटर प्रिपरेशन है इसका, उसका वीडियो आएगा। और जो है कि हम सीरियल बाय सीरियल आपको ट्रेनिंग का वीडियो एक तरफ से बना के देंगे। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग भाई लोग जो है कि ज़बरदस्ती आ जा रहे हैं घर पे, तो भाई आ जा रहे हैं जिनको देखना है, देख के जो है कि यहाँ पे सीखना है, वो आ रहे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, आना है तो आए। हम तो यहाँ पे जो आएगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है कि ट्रेनिंग का वीडियो अगर सीरियल वाइज मेरा देख लेंगे एक तरफ से लास्ट तक, तो आपको कोई भी ज़रूरत ट्रेनिंग की नहीं होगी। और फिर भी जो भाई आना चाहते हैं, बहुत सारे भाई जो है कि आ गए हैं, तो आना चाहते हैं जो आए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हेल्प हो सकेगा। घर पे आएंगे तो भाई शुरू से अंत तक जो होता है, जो टैंक इंस्टॉलेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी सिखाया जाता है वो सिखाया जाएगा आपको। और मेरे कहने का मतलब है, सीधा सीधा अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की। और जो लोग जिद करके आ रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आना है तो आए। और इसमें जो है कि छः, इसमें अभी हम सिलेंडर नहीं लगाएंगे, सिलेंडर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा 5,000 लीटर का टैंक है ये, और ये इस पंप से आपका 15,000 लीटर पानी जो है कि ब्लो हो सकता है। और ये अभी मैं पाइप केवल लगा के सिलेंडर नहीं बना रहा हूँ, और बारी बारी से 12-12 घंटा चलेगा, दो दो पंप हमने लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है सिलेंडर की। अगर आपको इसमें 4 टैंक चलाना है 5,000 लीटर का ये मोटर ये पंप से, तो आपको जो है सिलेंडर जो बनाने की ज़रूरत है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही अपडेट था, और जो आगे जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, और वाटर प्रिपरेशन जो हमारा चालू होगा उस हिसाब से वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। शुरू से लास्ट तक जो भी होता है पूरा आपको सीरियल वाइज देखने को मिलेगा, कोई आपको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये होल इसमें आप जो है कि कम से कम 3 सूत का आपको होल करना है, और इतना होल करना है कि अगर थोड़ा नीचे मछली उछली मर जाए, इसमें आके चिपक जाए, तो भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि पानी आपका आसानी से ऊपर से आके खींच ले और प्रेशर बनाएगा, तो आपका ये यहाँ से कचरा भी निकल जाएगा। मछली तो कितना दिन रहेगा, चिपक जाएगा तो मान लीजिए 10-15 दिन में वो सड़ के ख़राब हो जाता है, वो निकल जाएगा। तो थोड़ा मेरा बड़ा था तो इधर हमने जो है कि इतना होल नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा होल गया है, इतना बहुत काफ़ी है, और इतना इधर नीचे छोड़ दिया है हमने, इतना बैठ जाएगा एकदम पूरा, एकदम नीचे से सेंटर से ये छेद आपका मिल जाएगा, यहाँ से आपको पानी निकलना पूरा सेंटर से निकलेगा, नीचे से ये इतना अंदर चला जाएगा तो यहाँ से नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आने वाली वीडियो में जो भी जानकारी होगी मैं शेयर करता रहूँगा, कोई ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी जो भी आपकी होगी वो जो है कि आपकी दूर की जाएगी। तो आने वाली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।